देखिए लकड़ियों के ठेकेदार होते हैं, आपको इसे कहीं बेचने नहीं जाना पड़ेगा। इसका इतना प्रचार प्रसार हो चुका है कि आप कॉल के जरिए या फिर हमारे जरिए हम आपको संपर्क करा देंगे, और ये लागत टाइम भी ज़्यादा महंगा होकर लेकर पानी के लिए आता है, और 4 से 5 साल में 2025 से 2025 तक जाता है इसको एक पेड़। हाँ, और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि पिटारा, मैं बांदा से साकेत अवस्थी, जो कि हम लोग इस समय एक नर्सरी पर आ पहुंचे हुए हैं, और वहां के जो नर्सरी संचालक हैं, शुभ नाम क्या है भैया आपका? राम मिलन कुशवाहा जी, नमस्कार। इन्होंने काफ़ी अरसे समय से, लगभग 5 साल बीत जाने के उपरांत भी, अभी इनका जो व्यापार है जो है नर्सरी का व्यापार ये करते चले आ रहे हैं, खासकर जो है इस पीरियड में जो कि बरसात का सीजन भी चालू है, और इनके नर्सरी पे यूपीलिप्टिस, देहात क्षेत्र की भाषा में अगर कहा जाए तो उसे सफ़ेदा बोला जाता है, इस नर्सरी पे प्रचुर मात्रा में उसके पौधे रखे हुए हैं। खासकर इनसे हम बात करेंगे यूपीलिप्टिस के पेड़ को लगाने की विधि क्या है, और जो है उस पर जो है लगा करके किसान कैसे लाभ कमा सकता है। भैया नमस्कार, आप यूपीलिप्टिस के पेड़ के संबंध में आप बताइए कि इसका जो है रख रखाव और इसके लगाने की विधि क्या है, और कब लगाया जाता है, किसान कैसे लाभ ले सकता है? इसकी सर हम इसका सही मौसम होता है यही जुलाई का टाइम। अच्छा, बारिश गिर जाए एक दो बार, फिर इसके बाद आप थोड़ा गड्ढे खोद दीजिए, और गड्ढे खोदने से पहले लगभग बारिश के 15-20 दिन पहले उसमें गोबर खाद डाल दिया जाते, ताकि जो पौधा लगाया जाए वो जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करके पानी पा के आगे बढ़ जाए। जी बिल्कुल, मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि बरसात होने से पहले जहाँ हमें सफ़ेदा अर्थात यूपीलिप्टस का जो है पेड़ जमाना है, वहाँ पर गड्ढे खनना जरूरी है, और गड्ढे खनने के उपरांत में, अच्छा ये बताइए कि उस गड्ढे की जो गहराई होगी, गहराई क्या हो सकती है? गहराई बस 1.5-2 फीट, 1.5 से 2 फीट जो है गड्ढे की गहराई होना चाहिए, और उस गहराई के उपरांत में उस पर जो है पेड़ बैठाला जाता है। जी बिल्कुल, जैसे कि 1.5 से 2 फुट की जो है गहराई इस जो है यूपीलिप्टिस के पौधे की होना चाहिए, जो जिस गहराई पर इस पौधे को जो है बैठाला जाता है, जिससे विकास हो पाता है। अच्छा, इसमें जो है गोबर की खाद ही जरूरी है कि कोई और खाद भी जो है प्रयोग किया जा सकता है? जैविक डालते हैं जिससे कि जल्दी ग्रोथ और अच्छा खासा डेवलप के साथ ऊपर जा पाता है। बिल्कुल, केचुआ खाद आती है, और केचुआ गोबर का मिश्रण डालिए, जिससे केचुआ पैदा हो गए और पौधे को पानी मिल गया, मिट्टी और उगेगी, और केचुआ कंपोस्ट तो प्रसिद्ध ही है। जी बिल्कुल, पौधे के लिए अच्छा है। हाँ, वो सब डालते हैं। अच्छा, यूपीलिप्टिस के पेड़ के लिए भैया वैसे जो है तैयार करने की जो आपने ये विधा बताई, खासकर जो है विधा तो सरल है, अगर किसानों के लिए, खासकर हम अपने बुंदेलखंड के किसानों के विषय में बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है काफ़ी शुष्क जलवायु मानी जाती है, और सिंचाई की काफ़ी जो है अव्यवस्था है, इस तरीके की जो है जलवायु के लिए जो है कैसे जो है एक चैलेंजिंग का रूप होता है, जो है काफ़ी कठिन होता है, तो किसान कैसे इसका उत्पादन करे, जो है सिंचाई की मान लीजिए अगर आवश्यकता ज़रूरत है और जो है संसाधन नहीं है, तो कैसे जो है इसको उगाए, उस पर आप जो है कुछ अपने सुझाव दें। ये देखिए, आपका ये पौधा एक साल में आपका इतना पनप जाता है कि दूसरे साल आपको पानी नहीं मांगने लगेगी, और फिर जहाँ कुछ एरिया होती है जहाँ की जमीन तकरीबी या फिर ऐसा होता है वहाँ पर थोड़ा इतना मुश्किल हो जाता है ना, पर जो अपने अगर यहाँ की बात करें अपने पूरे एरिया की, यूपी बुंदेलखंड जैसे खासकर यहाँ पे ऐसी मिट्टी नहीं है कि जहाँ ये पनपे, ये हर जगह पनप जाता है और दूसरे साल पानी बहुत कम मांगता है, वो अपने आप तैयार हो जाता है 4 से 5 साल में। हाँ, अच्छी लागत के साथ आपको तैयार हो जाएगा। अच्छा अच्छा, एक बीघे में लगभग यूपीलिप्टस की अगर बात किया जाए तो एक बीघे में समथिंग कितने पौधे लग सकते हैं? देखिए, ये जो यूपी लगाया जाता है इसकी 1 लीटर से 300 लीटर की डिस्टेंस 4 से 5 फीट होती है। अच्छा, डिस्टेंस एक पौधे से दूसरे पौधे की डिस्टेंस 4 से 5 फीट जो है दूरी पर लगाया जाता है, एकदम नज़दीक नहीं लगाया जाता। अगर पास लगाएंगे तो कम पनपर कम मोटा होता है, जितना उतना कागज का जो भी मोटा बनाएगा, 4 से 5 मतलब जो है फुट दूरी पर जो है पौधे पर। जी अच्छा, और 4 से 5 साल बाद ये तैयार होता है? तैयार हो जाता है। खासकर जो है अगर इसके जो है तैयार होने की बात किया जाए तो 4 से 5 साल के अंतर्गत जिस जगह लगाया जाता है, जिस खेत पे लगाया जाता है, वो जगह तो जो है बाउंडेड होती ही है, वहाँ कुछ किसान नहीं कर सकता है ना। और ये तैयार होने के बाद में
जब इसको बेचा जाता है, इसके मतलब इसकी लकड़ी जो होती है काफ़ी सुडौल और लंबी गोलाकार की होती है, बेचा जाता है ये, इसके लिए मार्केट का चयन जो है किसान यहाँ का कैसे कर पाए, कहाँ पर जो है बेचे? देखिए लकड़ियों के ठेकेदार होते हैं, आपको इसे कहीं देख नहीं जाना पड़ेगा। इसका इतना प्रचार प्रसार हो चुका है कि आप कॉल के जरिए या फिर हमारे जरिए हम आपको संपर्क करा देंगे, और ये लागत टाइम की ज़्यादा महंगा होता लेकर पानी में आता है, और 4 से 5 साल में 2025 से 2015 तक जाता है एक पेड़। हाँ, और कोई इसमें केयरिंग नहीं, कोई बार लगा दीजिए, फिर आप 4-5 महीने में कहीं अगर खाद डाल दीजिए, अगर नहीं लग रहा, नहीं आपको टाइम मिल पा रहा, तो आप 1 साल बाद पैसा लेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन शुरुआत में से गड्ढे के साथ जो प्रक्रिया बताई है वैसे करना पड़ता है। उस प्रक्रिया के तहत अगर किसान जो है लगाएगा तो निश्चित तौर पर आपका जो है पौधा तैयार होगा, उसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल सही कहा। और कई जगह लग के तैयार हुए हैं और यहाँ सेलिंग भी हो चुकी है। जी जी, किसान भाई को अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा, इसको जो है जब काटा जाता है, इसको 4 से 5 साल के अंतर काटा जाता है, खासकर जो है काफ़ी मोटा जो है इसका पेड़ तैयार होता है, कोई कोई पेड़ जो है 3000 है 4000 है ऐसे भी जो है जाता है, इसकी कटान के बाद में जब कटाई होती है तो क्या जो है इस पे पुनः दोबारा जो है फिर से पेड़ जो है उत्पन्न हो जाते हैं, लगाना नहीं पड़ता क्या? देखिए, अगर आप इसी के पौध से और दूसरा पौध उत्पन्न करना चाहेंगे तो आपको एक मोटी शाखा नहीं ऐसी बन पाएगी। हाँ, उसमें फिर तमाम चीजें ऐसे पकड़ तक निकल आएंगी, वो कितने कितने निकलेंगे कि आपको कोई शाखा नहीं बन पाएगा, तो इसमें लाएंगे फिर बस जला उके उगाएगा। अच्छा। हाँ, बस आप 4-5 साल में तैयार करिए, उसे खत्म करो, दूसरा बैठा दीजिए, उसको जो है निकाल करके साफ करके मिट्टी 4-5 साल में। अच्छा, ये एक बीघे में जैसे कि सफ़ेदा के जो है छोटे पौधे ये लगाए जाएँ, आपके जैसे नर्सरी में रखे हुए हैं, एक बीघे में लगभग कितने पौधे लग जाएंगे, क्या कीमत लगती होगी, उसको किसान कितना खर्च कर पाएगा करेगा उसमें केवल पौधे? अगर हम 4 से 5 फीट की दूरी पे लगाएं तो एक बीघा में लगभग कितनी दूरी होती है? हाँ, समथिंग लगभग एक बीघे में 18,000 स्क्वायर फीट होता है। हाँ, तो ऐसे 5-5 फीट की दूरी में लगा दिए जाते हैं, और ज़्यादा लागत कहाँ आएगी, 10-15 रुपये पर पौधा जोड़ लीजिए। अच्छा, बहुत है, 10-15 रुपये के पौधे की लागत है, और समथिंग अगर बात की जाए तो लगभग कम से कम जो है 150-200 पौधे लगे। हाँ, बस इतनी लागत तो बस आ गई आपका। अच्छा, कुछ ज़्यादा आ जाता है, 150-200, 15 रुपये की दर से जो है एक पौधा आता है, और 4 से 5 साल के बाद में यही जो है अच्छा रिस्पॉन्स देता है। जैसा कि देखिए हमारे ये भाई हैं जो कि नर्सरी का जो है व्यापार करते हैं, और ख़ासकर इन्होंने किसानों को, हमारे बुंदेलखंड के किसानों के लिए नर्सरी यूपी लिप्टिस के पौधे को लगाने के लिए सलाह दिया, और उन्होंने निर्देश भी दिया कि जैसा भी है यूपी लिप्टिस का जो है पेड़ हर हाल में तैयार होगा, बशर्ते जो है बरसात होने से पहले 2 से 2.5 फुट का जो है गहरा गड्ढा हो, और उसमें गड्ढे के बाद में ऐसे जो है पानी बरसात होने के बाद में गोबर की खाद डाली जाए, तब जो है उसमें बैठाला जाए वो, जिसके वजह से जो है पौधा अच्छी तरीके से उगेगा और जो है स्वस्थ रहेगा और उसका लाभ किसान ले सकते हैं। बांदा से कृषि पिटारा के लिए साकेत अवस्थी। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।